दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा है उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको। दोस्तों बाइक बोर्ड से संबंधित एक बड़ी न्यूज आ रही है, 3500 करोड़ के घोटाले की खुल रही परतें, तीनों आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया, साथ में बाइक बोर्ड घोटाले के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों ये जो न्यूज है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, 10 अक्टूबर 2020 की न्यूज है। मिरर से खबर है कि बाइक बोर्ड स्कैम, करीब 3500 करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले की परत दर परत खुलती जा रही है। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के निदेशक संजय भाटी के भाई सचिन भाटी और पवन भाटी तथा निदेशक करण पाल की संपत्ति का ईओडब्ल्यू ने ब्यौरा जुटाया है। इन लोगों ने बुलंदशहर लोनी के अलावा भी अन्य कई जगहों और शहरों में प्रॉपर्टी में रकम लगा रखी है। यहाँ संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने एसटीएफ के साथ मिलकर निदेशक संजय भाटी के भाई सचिन भाटी और पवन भाटी तथा कंपनी के निदेशक करणपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। करणपाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि बाइक बोर्ड से मिली रकम से उसने बुलंदशहर में 12 बीघा जमीन खरीदी थी। ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार को जमीन का निरीक्षण कर लिया है। करणपाल ने मेरठ में कई अन्य जगहों के साथ मिलकर मोटी रकम प्रॉपर्टी में लगा रखी है। करणपाल के सभी बैंक खातों की जांच की जा रही है। एसएसपी ईओडब्ल्यू राम सुरेश यादव ने बताया कि सचिन और पवन भाटी का भी लोनी में प्रॉपर्टी का बड़ा काम है। ईओडब्ल्यू ने सचिन और पवन के बैंक खातों का ब्यौरा भी मांगा है। टीम ने उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों की जानकारी भी जुटा ली है। डीएसपी अजय साहनी का कहना है कि मर्सिडीज चलाने वाले युवक को भी जल्द पकड़ा जाएगा। तो बाइक बोर्ड के संबंध में बड़ी न्यूज़ सामने आ रही दोस्तों, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था उसमें जो है बाइक बोर्ड घोटाले के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।